नीतीश जी को क्या कहेंगे, नीतीश जी तो कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, तो पलटू राम है। जनगणना से प्रगति तो नहीं हो सकती है, जातिवाद में हमारा देश बांटता है, मोहल्ला गांव समाज सब बांट देता है। हम तो कह रहे हैं कि बीजेपी ही बरगला रहा है इसको, ये जाति जनगणना की बात उसे नहीं पहले किया था। जाति आधारित गणना हुआ है, रिपोर्ट सामने आया है, इससे बिहार प्रगति करेगा। जनगणना से प्रगति तो नहीं हो सकती है, बसरते यहाँ जातिवाद में हमारा देश बांटता है, मोहल्ला गांव समाज सब बांट देता है, और एक आपस में एक प्रकार का दुश्मनी, मतलब तरक्की के बजाय ये हो जाता है, तो ये नहीं होता। नीतीश तिरस्की तो कहते हैं कि योजना लाएंगे अगर जाति आधारित गणना का रिपोर्ट सामने आ गया तो। अरे भाई, अभी उनका सोच अब अलग है, अब हमारा सोच, हम गांव में रहते तो हमको पता है कि क्या गांव में होता है, ये लोग तो अपना टाउन में रहे हैं तो उनको गांव की समस्या नहीं, यहाँ बैठे बैठे आदेश देते हैं, उनको पता नहीं होता उतना जितना गांव में हो समस्याएं हैं बनी हुई बहुत ही। ये जातिवाद में अभी दबन दबन टाइप का भी होता है, बहुत तरह का बात होता है, हमारे समस्या जाति पता नहीं होना। गांव में क्या स्थिति है जाति को लेकर? नहीं, गांव में उतना नहीं है, लेकिन जाति का, लेकिन बात विवाद होता है कभी कभी, ऐसा नहीं है कि नहीं। ब्राह्मण राजपूत का कहना है कि हमारा रिपोर्ट गलत बताया है, हमारी संख्या ज्यादा है, नहीं बता दिया गया। इसके बारे में बता दें इसके बारे में तो हम नहीं कह सकते हैं। क्या लगता है जाति आधारित गणना के बाद? हम जाति आधारित गणना के सपोर्ट करते हैं, इसलिए सपोर्ट करते हैं कि ऊपर आप अभी तक आरक्षण दे रहे हैं, कम चाहे बेसी जो आंदोलन लोग कर रहे हैं उससे तो स्पष्ट हुआ कि आप कहते हैं जनगणना, उसके आधार पर आपको परसेंट दिया जा सकता है। आरक्षण तो छोड़ दिया, आरक्षण तो जो हो, बाकी अभी आरक्षण जब लागू है देश में तब तो उसको है, और सभी दल सभी सभी पार्टियां आरक्षण के पक्ष में, या नीतीश बाबू हो, कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, राजद हो, कम्युनिस्ट हो, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट हो, सभी आरक्षण के पक्ष में है, उस आधार पर जनगणना, जातीय जनगणना की आवश्यकता उचित है। कुछ जाति का कहना है, जैसे भूमिहार का निकला, राजपूत का निकला, ब्राह्मण का निकला, बोले हमारी जो जनसंख्या थी अब जो रिपोर्ट में बताया गया वो कम हो गई, फर्जी रिपोर्ट बनाया, इसलिए कि सरकार के कर्मचारी जनगणना कर रही है, न कि कोई दल कर रहा है, नीतीश कर रहे हैं, राजद कर रहे हैं, कांग्रेस कर रहे हैं, बीजेपी कर रहे हैं, कम्युनिस्ट कर रहे हैं, तो वो कर न रहा है, सरकारी कर्मचारी कर रहे हैं, उनके कंधे पर जवाबदेही है, अगर उनकी आशंका है तो सरकार के यहाँ न्यायपालिका में जा सकते हैं, और उनका तर्क है तो कंक्रीट तर्क देना होगा तभी इसको माना जा सकता है, ऐसे तो कोई सरकार का कोई भी निर्देश चलेगा और उसको हम गलत कह दें, गलत कहने के लिए हमको साबित करना होगा। बीजेपी कह रही है कि बरगलाया जा रहा है जनता, हम तो कह रहे हैं कि बीजेपी ही बरगला रहा है इसको, ये जाति जनगणना की बात उसे नहीं पहले किया था, बीजेपी ने ही किया था तब जाति जनगणना के इन्होंने किया है, अब वही जो चुनाव अभी 7 दिन का पार्लियामेंट बुलाए और पार्लियामेंट में चुनाव का उन्होंने रखे हैं, उसके बाद जनगणना जो कराने जा रहे हैं वो जातीय जनगणना वो भी कराने जा रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। केंद्र सरकार भी जाति आधारित गणना कर, हाँ जातीय आधारित जनगणना केंद्र सरकार भी कराने जा रही है, पूरा चुनावी प्रचार के लिए यह बीजेपी हल्का ठेस लेके बैकवर्ड और फॉरवर्ड, दलित और बैकवर्ड और फॉरवर्ड के नारा देके वो अपना चुनावी प्रचार के लिए, ये पार्लियामेंट के चुनाव निकट भविष्य में आ गया है, इसीलिए वो अपने प्रचार कर रहे हैं। जनगणना अभी तक बहुत बार हुआ तो प्रचार कभी नहीं हुआ, बीजेपी प्रचार कर, बीजेपी प्रचार कर रही है। देखिए और भी लोग हैं, क्या लगता है आप लोगों को बिहार में जो जाति आधारित गणना का आज रिपोर्ट आया है इससे आगे क्या हो, सही हुआ है गलत हुआ है? सही हुआ है, जाति आधारित गणना होना चाहिए था, होना चाहिए था, ऐसा तो होना चाहिए था, होना ही। क्या कहेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि जिनका जितनी जाति थी उनका कम आंकड़ा
दिया गया है, गलत रिपोर्ट है? हो सकता है गलत रिपोर्ट हो, सरकार का ये सब मैंने अपना जो भी चाहेगा करवा सकता है। अच्छा, आप भी मानते हैं कि सरकार गलत रिपोर्ट बनाई? हो सकता है, कोई बड़का बात थोड़ी है। आप क्या सोचते हैं जाति आधारित गणना को? मैंने जनगणना तो होना ही चाहिए था। अच्छा, जाति आधारित होना चाहिए ना? जाति आधारित तो हुआ, तो जाति आधारित गलत हुआ। गलत हुआ, गलत है जाति आधारित। क्या क्या कहेंगे नीतीश से? नीतीश जी को क्या कहेंगे, नीतीश जी तो कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, तो पलटू राम हुए हैं। अब तो कसम खा लिए? नहीं देखिए, कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, पलट सकते हैं कुछ ना, मैं गद्दी के लिए कुछ कर सकते हैं। बिहार में जाति आधारित गणना का अभी रिपोर्ट आया है, क्या लगता है आप? देखिए, जाति गणना तो बिहार सरकार का एक अंग है और सुप्रीम कोर्ट इस पर आदेश दिया है कि जाति गणना करवा सकते हैं सरकार चाहे तो, लेकिन जाति गणना एक विभिन्न अंग है जो अपने सरकार अपने हित में करवाया है। इससे बिहार सरकार बैकवर्ड का सरकार है अभी और बैकवर्ड के एथी पर चल रही है। कुछ लोगों का कहना है कि रिपोर्ट गलत है, फर्जी है। अब ये तो रिपोर्ट बनाने वाले जानेंगे, रिपोर्ट बनाने वाले ही जानेंगे ना। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरामा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरामा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरामा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरामा में। पूर्णिया में पैनोरामा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरामा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।